वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू राशि की किचन। आई होप आप सब अच्छे और सेफ हैं। आज हम आपके सामने बनाएंगे पनीर पराठा, वो भी मल्टीग्रेन आटा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने एट फर्स्ट एक बोल ले लिया। इसके अंदर मैंने 1 कप 2 कप मल्टीग्रेन आटा ले लिया। आप चाहे तो इसे ऑल पर्पज फ्लावर और व्हीट फ्लावर से भी कर सकती है, बट मैं आज आपके सामने मल्टीग्रेन आटा से पनीर पराठा बना के दिखाऊंगी। अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। देन मैंने इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। देन मैंने इसको अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर एक डो बनाऊंगी। इस डो रेगुलर रोटी की तरह डो नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइट बनेगा ताकि इजी से स्टफिंग हो सके इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लेकर अब मैं इसको एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लूंगी। बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसके ऊपर बस कुछ ड्रॉप ऑयल हल्के हाथों से बुला लूंगी। देन मैंने इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मेरा जो पराठे का डो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। कॉटन का कपड़ा ले लिया और इसको अच्छे से ढककर 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 क्यूब ले लूंगी। हल्के हाथों से इसको तोड़ लूंगी। देन मैंने इसमें डालूंगी चॉप कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दूंगी। देन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून अजवाइन ले लिया, इसको मैंने हाथों से तोड़ दूंगी। देन मैंने इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। देन मैंने 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर ऐड किया। देन मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया। देन मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँ, 1/4 टीस्पून मैगी मैजिक मसाला ऐड करूँ। मैंने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया पनीर के साथ। ये मेरा पनीर का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया। अब मैंने पनीर का पराठा बनकर तैयार कर लिया। मैंने इस तरह जो पराठा की डो बना लिया उसमें से एक बड़ा साइज ले में तोड़ लेंगे ऐसा, और उसको मैंने अच्छे से हाथों से राउंड बना लेंगे। देन मैंने ऐसे ही इसके अंदर एक होल करेंगे बड़ा, थोड़ा बहुत आटा छिड़क दूंगी। तो फिलिंग्स बनाया था ये डाल देंगे। इसमें मैंने पनीर का भी आपको जितना चाहे आप उतना ही डाल सकती है, बस ध्यान रखिए जितना आपका ले हो उसकी बराबर डालिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत आटा छिड़क दूंगी और अच्छे से हाथों के इसको मैंने प्रेस कर दूंगी। देन मैंने दोनों साइड ले लिया, इसी तरह इसको चिपक दूंगी एक दूसरे के साथ। देन मैंने दूसरी तरफ एक साइड ले लिया और इसको मैंने इसके साथ चिपक दूंगी। अच्छे से चिपकाना पनीर का पराठे की मुंह ओपन ना हो जाए, ऐसे ही करता रहूंगी ताकि मैंने जो फिलिंग डाली थी वो इक्वली हर तरफ स्प्रेड हो। मैं आ चुका, इसको मैंने तोड़ लूंगी और थोड़ी सी आटा इसके ऊपर डालकर हल्के हाथों से इसको प्रेस कर हल्के हाथों से प्रेस करूंगी ताकि पनीर का जो फिलिंग इसमें गया था ये इक्वली स्प्रेड हो हर तरफ।
ड्रिंक भी ले लिया और इसको मैंने हल्के हाथों से, दाबा के नहीं, हल्के हाथों से रोटी के जैसा सेप देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। मैंने जो आटा यूज किया ये मल्टीग्रेन आटा है। मल्टीग्रेन आटा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ग्रेन होता है, जैसे कि बाजरा, ओट्स, कॉर्न, व्हीट, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये यम्मी भी बनता है। ये कितने अच्छे से हर तरफ एक रोटी जैसा शेप आ गया। अब मैं इसको सेक लूंगी, पैन ले लिया, अब मैंने इसको सेक लूंगी। देख सकते गाइस ये बहुत अच्छे से सेक चुका, मैंने दूसरी तरफ पलट दिया। अभी अच्छी तरह सेक गया, मैंने इसके ऊपर घी स्प्रेड करूंगी। निकालिए, तब एक चीज ध्यान रखिए कि पराठे जब पूरी तरह सेक चुका होगा तब आप घी की यूज करिए। बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है और पराठा अच्छा बन जाता है, वरना आपको ऑयल और घी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ये मेरा ये भी और एक पराठा तैयार हो गया। इसको मैंने हल्के हाथों से बेल लूंगी। अब देख सकती है मेरा और एक पराठा तैयार हो गया। अब मैं इसको सेक लूंगी, मैं इसको सेक लूंगी। और एक पराठा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं गाइस मेरा पनीर का पराठा बनकर रेडी हो गया और मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी के भी साथ सर्व कर सकती है। ये कितना हर तरफ से खूबसूरत से स्प्रेड हुआ है, आप देख सकती है कितना खूबसूरत से हर तरफ स्प्रेड हो गया। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा और यम्मी सा रिजल्ट देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू रास्की किचन। चलिए आपसे फिर मिलती हूँ और एक नया और खूबसूरत रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।